नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको आज हम लाल मिर्च का अचार बना दिखाते हैं, स्वीट अचार, और जिसे बिना तेल का और बहुत जल्दी बनने के तैयार हो जाता है, तुरंत खाने लायक अचार हो जाता है। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो हम बताते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे मिर्च के अचार को। पहले मिर्च का अचार ये लाल मिर्च हमने लिया, इसको धो के और सुखाया है, पानी का नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल। सुखा के इसको छोटा छोटा काट के एक मिर्च का 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा करके हम रख लिए हैं, और उसके साथ ये हरी मिर्च हमने काट के सुखा के रख लिया है। तो इस दोनों मिर्च को हम मिला के इसका अचार बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, और ये है आधी चम्मच हींग, 2 चम्मच है ये नमक, 1 चम्मच है चाट मसाला, 2 चम्मच है काली जो सरसों होती है उसको हमने पीस लिया घर में, बघार वाली जो सरसों रहती है वो, 2 चम्मच हमने लिया है सौंफ, ये सौंफ है, और 1 कटोरी हमने लिया है, थोड़ी सी और भरूंगी इसको, 1 कटोरी हम लेंगे इसमें सिरका, जिससे ये ख़राब ना हो हमारा अचार। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इंस्टेंट अचार है तो आपके सामने हम बना के और दिखाते हैं। 2 तरह की मिर्च को डालेंगे, लाल मिर्च, ये हरी मिर्च है और ये लाल मिर्च है, 2 चम्मच है, टेस्ट कर लेंगे हम, थोड़ा सा नमक कम होगा तो और डालेंगे। ये सरसों है राई जो कि बहुत कम कम है, ये हल्दी और लाल मिर्च है जो कि बहुत कम है, आधी आधी चम्मच है। सबसे अचार की जान है ये हींग है, हींग पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून है, ये थोड़ा सा ये चाट मसाला वो डालेंगे, सौंफ, इससे टेस्ट दुगना हो जाता है अचार का, और इसको डाल के मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये स्पाइसी विनेगर है ये, और हम डालेंगे, एक बार हम मिला लें फिर हम उतना ही और डालेंगे, मतलब 1 कप हम विनेगर इसमें डालेंगे। इतना आधा कप ये आधी कटोरी और हम डाल दिए, अब थोड़ा सा नमक 2 चम्मच डाले हैं तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच और नमक डाल दिए हैं, तो इसमें और इसको ऐसे हिला के और रख दीजिए। ये अचार आपका 15 दिन ख़राब नहीं होगा, और फ्रिज में रख दिए तो 1 महीने से 2 महीने ये अचार आपको ख़राब नहीं होगा। और आपको तेल खाने का मन है तो सरसों तेल को भी आप इसमें डाल सकती हैं, पर मैं इसमें सरसों तेल अभी नहीं डालूंगी, और आप इसमें डाल सकते हैं सरसों तेल, जिससे ये अचार का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बिना तेल का मैं बनाना है हमको, इसलिए मैं ऐसी बनाऊँगी। इंस्टेंट अचार मेरा बन के तैयार हो गया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा अचार बन गया है ये, इसको आप तुरंत से यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप आधा कप पानी और आधा कप विनेगर भी डाल सकती हैं आपका, लेकिन आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकती हैं, क्योंकि विनेगर है तो ये अचार खराब नहीं होगा। तो चलिए आप उम्मीद है इसे ज़रूर बनाएंगे, खाएंगे, और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब मिलेंगे हम किसी और अच्छे वीडियो के साथ, थैंक यू।